हे गाइस, वेलकम टू देख तमाशा टीवी का। जैसा कि आपको पता होगा, डेली आपको टॉप 5 टॉप 10 न्यूज़ लेके आते हैं हम आपके अपने व्यूवर्स के लिए, यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स के लिए। टीवी शोज़ की और लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना। आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग टॉपिक की और टीवी शोज़ में सेलिब्रिटी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको भी बताते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे बड़ी आज की नंबर 1 टॉप न्यूज़ है करण ग्रोवर, जो कि उड़ारियां शो के लीड एक्टर हैं। इस एक्टर को आखिर क्यों छोड़ना पड़ रहा है ये शो, और क्या मेकर्स इस शो को निकालने में इस एक्टर को मजबूर कर रहे हैं, या इनका ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, आइए आपको भी बताते हैं। दरअसल स्टार भारत का संदीप श्रीकांत का नया शो, जिसकी कास्टिंग चल रही है, और बताया जाता है कि करण वी ग्रोवर इस शो का हिस्सा हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, वेल अभी तक मेकर्स ने कोई भी इसका कन्फर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात ये एक्टर उड़ारिया शो को क्विट कर देंगे। इससे पहले भी इनकी न्यूज आई थी, लेकिन फाइनली करण वी ग्रोवर इस शो का हिस्सा है। आने वाले वक्त में देखना होगा, अगर इस शो में करण वी ग्रोवर को फाइनल किया जाता है तो जरूर ये क्विट कर सकते हैं। अगर आप उड़ारिया शो के फैंस हैं, तो आपको ये न्यूज कैसा लगा है, और क्या लगता है आपको इस एक्टर को इस शो में रिप्लेस करना चाहिए, या आपको लगता है नहीं इनको इसी शो में अभी बने रहना चाहिए, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज का टॉप 2 ब्रेकिंग न्यूज है टीवी शोज का। ये एक्टर बन्नी चो होम डिलीवरी का ये मेन कैरेक्टर अब जा रहा है बॉलीवुड में एंट्री लेने, और इस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं आखिर ये कौन सा एक्टर है और क्या होने वाली है, किस स्टूडियो द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार प्लस पे आने वाला शो बन्नी चो होम डिलीवरी, जिसको अभी तो फिलहाल टेलीकास्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये शो बहुत ही जल्दी टेलीकास्ट होगा। और इस शो का हिस्सा रहने वाले हैं अंश पांडे, जो कि जी स्टूडियो से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगे रॉकेट गैंग मूवी से। वेल आपको ये अपडेट कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आज की टॉप 3 ब्रेकिंग न्यूज है बर्थडे गर्ल शिवांगी जोशी को लेके। शिवांगी जोशी ने बताया आखिर वो अपनी एज को क्यों छुपाती रही हैं, और इन बर्थडे गर्ल ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, तो आइए आपको भी बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, बालिका वधू की सीजन 2 फेम और ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, लीड एक्ट्रेस शिवांगी जोशी बहुत ही जल्दी जा रही है खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में हिस्सा बनने, और आज है का बर्थडे जहां पे उन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया एनजीओ में, जहां पे उन्होंने अपने बर्थडे को स्पेशल सेलिब्रेट किया एनजीओ के किड्स और उनकी टीम के साथ। यहां पे बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में भी बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे वो अब तक अपनी एज को बहुत लंबे समय तक छिपाती रही हैं, और ये करना उनके लिए एक डिफिकल्ट इसलिए भी था कि ज्यादातर इनका मानना है कि उनको बहुत ही ऑकवर्ड सा फील होता है अपनी एज को पब्लिकली बताना, जिसके चलते शिवांगी जोशी बहुत ही लंबे समय तक अपनी एज छिपाती रही हैं। वेल आपको ये न्यूज़ कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की टॉप 4 टीवी शोज की सबसे बड़ी न्यूज़ है टीवी इंडस्ट्री की, जो कि कनाडा टीवी इंडस्ट्रीज़ की एक्ट्रेस हैं, इनका हो चुका है देहांत। इस एक्ट्रेस की डेथ का इल्ज़ाम हॉस्पिटल और उनके प्रशासन पर आया है, आइए आपको बताते हैं आखिर ये कौन सी मिस्टीरियस एक्ट्रेस है और इनके साथ आखिर क्या कुछ हो रहा है गलत। तो मैं बात कर रहा हूँ कनाडा एक्टर, जो कि अपने फेस सर्जरी को लेकर गई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल की टीम के साथ कुछ गड़बड़ी को लेकर इनकी हो चुकी है डेथ, जिसके बाद इनकी फैमिली ने क्लेम किया है हॉस्पिटल के ऊपर, और अब हॉस्पिटल में फाइनली FIR हो चुका है। अब आने वाले दिनों में इस केस में क्या कुछ अपडेट होता है आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। आज की टॉप 5 लास्ट बट नॉट द लिस्ट आज की लास्ट न्यूज़ है स्टार प्लस में। कुर्बान हुआ सीरियल का ये एक्टर अब आपको स्टार प्लस के एक नए शो में देखने को मिलेंगे। आइए आपको भी बताते हैं आखिर ये एक्ट्रेस कौन है और किस शो का ये हिस्सा बनने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजवीर सिंह, जो कि मुक्ता दुंद के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो कुर्बान हुआ जैसे जी टीवी के शो में आपको ये नज़र आ चुके हैं, अब फाइनली मुक्ता दुंद के प्रोजेक्ट में स्टार प्लस के नए प्रोजेक्ट में जुड़ते हुए दिखेंगे। बहुत ही जल्दी इसका खुलासा होगा, अभी तक मेकर्स ने इनके कैरेक्टर को लेके और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। वेल आपको ये न्यूज़
आज का न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अगर अभी तक हमें सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।